टाइम बाद में मैनेज होगा, अभी आप मुझे बताएं कि टाइम किस लिए चाहिए, क्यों आपको लगता है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कोई बड़ा सा काम है जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, फेल हो रहे हो एंड फिर से कर रहे हो एंड फिर फेल हो रहे हो, अगर आप उस फ्रेंजीड एनर्जी में हो तो मेरा एक सजेशन है कि आप छोटा शायद ट्राई कर रहे हो, कुछ बड़ा सा ट्राई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे 5,000 का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो आप 50,000 या फिर 5,00,000 का प्रोडक्ट बेचो, बेचना ही तो है। एंड ऑब्वियसली जो 50,000 या फिर 5,00,000 का प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है कंपेयर टू आपका 5,00,000 वाला प्रोडक्ट, ये आप मानते हो, 5,000 वाला प्रोडक्ट ये आप मान रहे हो, राइट। दिक्कत कहाँ पे है कि हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हमसे ये हो पाएगा। तो देखा, टाइम की कोई बात ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की बात है। और कॉन्फिडेंस भी क्या, ये आपको किसने बोल दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा? किसी ने नहीं बोला होगा, फिर भी आप खुद को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी बचपन में किसी ने आपके इस वाले एबिलिटी या फिर उस वाले एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क किया था, तो आपका कॉन्फिडेंस तब से मतलब गया गुजरा है, हिट हुआ पड़ा है। तो वो कौन से हैं, आपको नहीं लगता वो डिस्ट्रैक्शंस हैं? अगर आपको लगता है कि वही डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपके एनर्जीज भी वही जाते हैं, आप फोकस वहीं पे करते हो जो नहीं हो पा रहा है, राइट। हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं इसलिए हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। हमको सभी कोई बताते हैं कि गिव अप नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हम लगे रहते हैं, जो नहीं हो रहा है उस पर भी लगे रहते हैं। हमको लगे रहना है, लेकिन सेम चीज़ पे जो नहीं हो रहा है और जो आपको फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी दे रही है वही पे लगे रहने के लिए कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम सभी को एज्यूम कर लेते हैं और ख़ुद को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, मतलब कोई कुछ कमेंट दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आपके लुक के बारे में बोलेगा, कोई आपके ड्रेस के बारे में बोलेगा, मतलब किसी को पता तो नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है फेलियर का, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हो एक्चुअली उन्होंने भी ट्राई किया हुआ नहीं। भाई जिसका एक्सपीरियंस है उसी से पूछिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन हम सवाल ही सही नहीं कर पाते, राइट। तो सवाल जो कि हमारे पास रेडी नहीं है कि पूछें क्या आखिर, इसलिए हम पूछते ही नहीं और प्रॉब्लम में चलते रहते हैं। ये इतना कॉमन सा ऑकरेंस है कि आपको लगेगा कि क्या सिर्फ यही रीज़न है। अच्छा, यही रीज़न अगर नहीं है, मान लीजिए कि बहुत सारे रीजन्स में से यही एक रीज़न है, तो क्या हम इस एक रीज़न को सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी भी तरह से? ये आपके एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है, क्या हम केयरफुल हैं कि ये एनर्जी जो ड्रेनर है, दिस हैज़ टू बी डन समथिंग अबाउट। आपके बिगर गोल्स जो हैं और वो छोटे में अटका पड़ा है, एक्चुअली अभी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस भी यही हो रहे थे, लग रहा था कि मैं कुछ भी करती हूँ तो बीच में वो अटक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोर्स रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी थी और मेरा जूम, मैंने देखा कि मेरा कैमरा ही काम नहीं करता, मेरे पास जो लैपटॉप है, दिस इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि मैंने एक लैपटॉप 1 साल पहले ख़रीदा था और उस लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है।
अब मैं वहाँ अटक गई, राइट? या फिर मेरे पास एक चॉइस था, जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ना रिकॉर्ड वीडियो अभी आपके साथ। कैसे किया? ये मोबाइल में किया। मोबाइल में करने का क्या फ़ायदा है कि आप इजीली इसको एडिट कर पाते हो। बहुत सारे वीडियो एडिटर जो मोबाइल में बहुत अच्छे से, बहुत सुपर लेटिव एडिटिंग मेरा नहीं होता है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या मैं चेंज ला पा रही हूँ आपके लाइफ में जब आप सुन रहे हो? उतना ही काफ़ी है, नहीं? सो मेरा वीडियो बहुत अच्छा एडिटेड है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी के लाइफ में चेंज ला पाती हूँ या नहीं ला पाती हूँ। एक्चुअली जो परेशान है उसी के लाइफ में चेंज लाएगा ना मैं जो बोल रही हूँ। बाकी सारे तो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, अच्छे अप्रिशिएट करेंगे, उनके किसी काम में आएगा नहीं, और उनके किसी मतलब उनके आईज़ के लिए सही नहीं है तो उससे क्या। सो हम गलत रीजंस के लिए परेशान होते रहते हैं। वैसे तो सभी कोई जानता है कि स्क्रॉल डाउन करना, क्लिक करना, रील स्क्रॉलिंग करना, ईमेल देखते रहना, ये सब हमारी आदतों में पड़ा हुआ है, लेकिन गलत सोच में भी घुसे रहना भी हमारे आदतों में है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए और थोड़े से अपने डिवाइसेस से अलग हटके कुछ हम सोचें, कुछ लिखा जाए। जैसे ये मैं लिखना शुरू की हूँ, एक्चुअली ये भी लिख रही हूँ, मतलब कोई भी वेस्ट पेपर लेके लिख रही हूँ। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप कर वो टाइम वेस्टर्स, मतलब क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करते हैं कि समथिंग कंस्ट्रक्टिव करें, तो कंस्ट्रक्टिव काम जब तक नहीं होता है तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं। सो दोज आर द टाइम वेस्टर्स। हम सोचते रहते हैं कि टाइम आखिर जाता कहाँ है। और बहुत सारे बिजनेस जो हम हैं उसको भी हटा सकते हैं। रियल प्रोडक्टिविटी है डूइंग लेस और डूइंग क्वालिटी वर्क, और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कोई रिजल्ट आए। सोक्रेटिस बोलते हैं, बीवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ ए बिजी लाइफ। बहुत सारे बिजी जो होते हैं वो एक्चुअली कोई ढंग का काम नहीं कर रहे होते। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके काम में लगा होगा। कल मैं एक किसी के साथ बैठ के एक सेशन करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं उनको क्या बताऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं उनको कुछ नहीं बताती, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो मुझे क्या बताना चाहते हैं। ऐसा मैं कई बार फील करती हूँ। एक्चुअली बोलना आपको है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप मेरे से बोलिए और मैं सुनूंगी, क्योंकि सोल्यूशन आप ही के अंदर है। मुझे तो हेल्प करना है सोल्यूशन निकालने को। चलिए मिलते हैं, आप एक 1-to-1 कॉल मेरे साथ बुक कर लें और बात कर लें। थैंक यू।